शम्बरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः शांति शांति ही। पिता परमात्मा का स्मरण ज्ञान स्वरूप ज्ञान के देने वाले परम पिता परमात्मा सज्जनों, ईश्वर को मानने वाला व्यक्ति ईश्वर को विभिन्न रूपों में संबोधित करता है। भक्त कभी कभी कुछ शब्दों को लेके उसे संबोधित करता रहता है। हमारे संबोधन में परमात्मा का स्वरूप भी छिपा रहता है। परमात्मा को हम किस रूप में देख रहे हैं, जान रहे हैं, हमारी वो भावना परमात्मा को किए गए संबोधनों में प्रतिध्वनित होती है, लक्षित होती है। लेकिन साधक यदि थोड़े से शब्दों को लेकर चलता रहे तो उसका मतलब है वो परमात्मा को कुछ सीमित रूप में मानते हुए चल रहा है। एक आर्य के मन में, भक्त के मन में ईश्वर के प्रति कितनी व्यापकता होनी चाहिए, उसको अभिलक्षित करते हुए महर्षि दयानंद ने आर्यभिविनय के प्रत्येक मंत्र में परमात्मा को बहुत से संबोधन दिए हैं, नए नए संबोधन। और प्रथम मंत्र की व्याख्या में तो एक साथ बहुत सारे संबोधन दिए हैं। उन्हीं संबंधों को हम क्रमशः देख रहे हैं, परमात्मा को क्या संबोधन करना चाहिए। आज जो संबोधन हमारे ध्यान का विषय बन रहा है वो है हे अविद्यांधकार निर्मूलक। हे परमात्मा, आप अविद्या अंधकार के निर्मूलक हैं। अविद्या का मतलब है विपरीत ज्ञान। जो चीज जैसी है उसको वैसा समझना, जानना, यह है विद्या। और जो चीज जैसी नहीं है वैसा समझ लेना, यह है अविद्या। हमारे साथ जीवन में ऐसा होता ही रहता है।
कभी हम ठीक जानते हैं, कभी विपरीत भी जानते हैं। परमात्मा अविद्या रूपी अंधकार का, अविद्या अंधकार, अविद्या हमारे मस्तिष्क का अंधकार है। जैसे लोक में प्रकाश न हो तो अंधकार प्रतीत होता है, ऐसे ज्ञान के स्तर पर जब अविद्या होती है, विपरीत ज्ञान होता है अथवा ज्ञान का अभाव होता है, ये अंधकार रूप है। इसलिए कहा हे अविद्या अंधकार, अविद्या के अंधकार, अविद्या रूपी अंधकार का निर्मूलक, उसको निर्मूल करने वाले। मूल का मतलब है जड़। किसी पेड़ को समाप्त करना हो तो जड़ सहित जब समाप्त करते हैं तो कहते हैं इसको निर्मूल कर दिया, इसकी जड़ भी समाप्त कर दी, अब आगे ये अंकुरित नहीं होगी या फिर से बढ़ेगा नहीं पौधा। पूर्णतया समाप्त करने को कहते हैं निर्मूल कर देना। तो परमात्मा अविद्या रूपी अंधकार का निर्मूलक है, जड़ से समाप्त करने वाला है। इस संबोधन से जुड़ा हुआ एक अगला संबोधन और महर्षि ने दिया है, विद्यार्क प्रकाशक। हे परमात्मा, आप विद्या रूपी अर्क के प्रकाशक। विद्या यानी शुद्ध ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, और अर्क कहते हैं सूर्य को। यहां भी उपमा दी गई है, उपमा देते हुए बात को समझाया जा रहा है। अर्क प्रकाशक, सूर्य के प्रकाशक, जैसे इस भौतिक सूर्य का प्रकाशक परमात्मा है, ऐसे ही विद्या रूपी सूर्य का प्रकाशक भी परमात्मा है। तो हे विद्यार्क प्रकाशक, विद्या रूपी सूर्य के प्रकाश करने वाले परमात्मा, जो ईश्वर को स्वीकार कर चुके हैं, वे ईश्वर की शक्ति सामर्थ्य ज्ञान को भी स्वीकारते हैं। सृष्टि को देख करके परमात्मा को स्वीकारते हैं, और ये सृष्टि इतनी अद्भुत विचित्र बनी है, उसके पीछे अत्यंत ज्ञानी समझदार कोई चेतन है, ये भी हमें अवगत होता है। तो परमात्मा को ज्ञान स्वरूप, अत्यंत ज्ञान वाला हम स्वीकार करते हैं। यहां जो दो संबोधन दिए गए कि परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, लेकिन उसके ज्ञान का हमारे साथ में क्या संबंध है? एक सामान्य संबंध तो ये हम समझ लेते हैं प्राय कि उसने अपने ज्ञान से हमारे हित के लिए इस सृष्टि को बनाया, वो हमारे कर्मों को जान रहा है, वो हमें फल प्रदान करता है, लेकिन वो हमारी अविद्या को भी हटाता है और हमारे अंदर ज्ञान को भी उत्पन्न करता है। हमारे से जुड़ा हुआ संबंध इन दो संबोधनों में दिया गया है। आज के युग को, इस 21वीं शताब्दी को ज्ञान का युग कहा जाता है। विविध ज्ञान विज्ञान बढ़ रहा है, विभिन्न अनुसंधान हो रहे हैं, नए नए यंत्र सुविधाएं आ रहे हैं, जैसे कि ज्ञान का विस्फोट हो गया। इतना ज्ञान कि वर्ष भर में न पढ़ा जा सके, इतना प्रतिदिन अनुसंधान हो रहा है, नई नई बातें, केवल पढ़ तक नहीं सकते, इतनी नई नई बातें आती जा रही, और वो हमारे से बहुत सी संबंधित हैं,
उनके आधार पर हमारे जीवन में कुछ सुख सुविधा लाई जा रही है, कुछ दुख दोष दूर किए जा रहे हैं। जीवात्मा ज्ञान का इच्छुक सदा से है। आत्मा चूंकि चेतन तत्व है, ज्ञान की पिपासा, जानने की इच्छा उसकी मौलिक इच्छा है। आत्मा चेतन है, ज्ञानवान है, लेकिन उसका अपना ज्ञान तो नगण्य प्राय है, कि जानने की इच्छा उसकी अदम्य है, सदा बनी रहती है। और शरीर इंद्रियों को प्राप्त करके वो जानने की इच्छा में लगा ही रहता है। विशेष रूप से मनुष्य उत्पन्न होते ही बच्चा देखने समझने जानने लगता है। वो प्रयत्न ना भी करे विशेष, तो भी परमात्मा ने ऐसी व्यवस्थाएं दी हैं कि उसको जानना ही पड़ता है, जानने ही लग जाता है। जो जिस बच्चे ने जन्म लिया है उसे ये पता नहीं है कि मुझे जन्म लेकर के कुछ जानना है, उसे नहीं पता है कि कोई रूप होता है और मुझे उसे देखना है, कोई भोजन होता है जिसे मुझे खाना है, उसे कुछ नहीं पता है। लेकिन जन्म लेते ही परमात्मा के द्वारा ये व्यवस्था की गई है, पहले से विद्यमान है कि वो देखने सुनने चखने लगता है, संवेदनाओं को ग्रहण करने लगता है, भूख प्यास को अनुभव करने लगता है, सुख दुख को अनुभव करने लगता है। उसका प्रारंभ ज्ञान से होता है, जन्म होते ही प्रारंभ संवेदना से होता है। और जीवन का कोई क्षण ऐसा नहीं जाता जागते हुए जहां की वो किसी क्षण न जान रहा हो। भोजन हम कुछ देर करते हैं, सोते हम कुछ घंटे हैं, पानी हम कुछ देर पीते हैं, कभी कभी पीते हैं, लेकिन हमारी प्राप्ति ग्रहण ज्ञान के विषय में सतत हो रही है, लगातार बनी हुई है। ये अलग बात है कि वो ठीक है या गलत। ज्ञान आत्मा का स्वाभाविक धर्म है, वो जानना चाहता है, और ऐसी व्यवस्थाएं बनाई हुई हैं परमात्मा की, हम सतत जानते रहते हैं और जानने की इच्छा अपनी अपनी रुचि के अनुसार सतत बनी रहती है। यदि ये इंद्रियां ना हो, एक एक इंद्रिय को हटा करके देखें तो उसी वस्तु का ज्ञान हमें कम होगा, मिथ्या होगा। पांचों ज्ञानेंद्रियों से जब उस वस्तु को जानते हैं तो अधिक अच्छी तरह जान सकते हैं। ये परमात्मा की व्यवस्था है। इस रूप में परमात्मा ज्ञान उत्पन्न करने में सतत सहयोगी है, बुद्धि उसने प्रदान की है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि अज्ञान, विपरीत ज्ञान हमारे अंदर और अन्यों के अंदर विद्यमान है। इतने वर्ष हो गए हमें जानते सुनते समझते विचारते, लेकिन आज भी हम ये नहीं कह सकते कि मुझे पूर्ण ज्ञान हो गया है, मेरे अंदर कोई विपरीत ज्ञान नहीं है, यह हम नहीं कह सकते। हम ही नहीं, बड़े बड़े वैज्ञानिक भी ये नहीं कह सकते कि मुझे इस एक विषय में पूरा ज्ञान हो गया, और वो ये दावा नहीं कर सकते कि ये जो ज्ञान आज उपलब्ध हुआ है इसमें कुछ वर्षों के बाद में किसी अनुसंधान से परिवर्तन नहीं होगा। कितना ज्ञान विज्ञान जिस पर नोबेल पुरस्कार मिला उस अनुसंधान पर, और आगे के नोबेल पुरस्कार विजेता आगे के वैज्ञानिक उन्हीं को असत्य भी सिद्ध कर रहे हैं और उनको भी नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो रहा है।
वैज्ञानिक ये अनुभव करता है कि आज जो मैं जान रहा हूं हो सकता है ये आगे असत्य सिद्ध हो जाए, अर्थात अज्ञानता की संभावना मनुष्य में सतत बनी हुई है। दुनिया में कितना भी ज्ञान का विस्फोट हो गया हो, कितने भी वैज्ञानिक हो, उन सब ज्ञानों को एक साथ मिला भी दिया जाए तो भी वैज्ञानिक ये नहीं कह सकते कि अज्ञान समाप्त हो गया और ज्ञान का सूर्य उदित हो गया, ये दावा कर ही नहीं सकते। एक सामान्य व्यक्ति भले ही ये कल्पना कर ले कि वैज्ञानिक और ये बड़े बड़े विद्वान दार्शनिक मिलकर के तो अज्ञान को समाप्त ही कर देंगे, लेकिन महर्षि दयानंद की दृष्टि क्या सत्य दृष्टि कि अविद्या अंधकार का निर्मूलक यदि कोई है तो वो मात्र परमात्मा है। हम कितना भी प्रयत्न कर लें पूर्ण अज्ञान हटा नहीं सकते। ईश्वर के प्रति इस धारणा को लेकर के आर्य चलते हैं और वो संबोधन करता है, हे अविद्या अंधकार निर्मूलक और विद्यार्थ प्रकाशक, जिस चीज को हम सबसे अधिक ग्रहण करते हैं, सदा ग्रहण करते हैं, उसका मूल स्रोत परमात्मा है। परमात्मा को हटा करके जब हम अविद्या को हटाने का प्रयत्न करते हैं, विद्या को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, तो एक सीमा तक और बहुत दूर तक हम बहुत कुछ जान लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन जिस अविद्या के हटाने की बात यहां छुपी हुई है इस संबोधन के पीछे, वो केवल परमात्मा हटा सकता है। इस संसार को वैज्ञानिक या अन्य व्यक्ति कितना भी जान ले, यदि वेद अर्थात ईश्वर का दिया हुआ ज्ञान ना हो, अथवा उस परंपरा से प्राप्त उपनिषदों का दर्शनों का ज्ञान ना हो, तो इस बात को कोई नहीं जान सकता कि यह जीवन क्यों चल रहा है। वैज्ञानिक जीवन को खोज लेते हैं, इसमें जीवन है, इसमें जीवन नहीं है, जीवन चलने के लिए ये वस्तुएं आवश्यक हैं, ऐसे रहना चाहिए, ऐसा नहीं रहना चाहिए इत्यादि अनुसंधान हो सकते हैं। रोग हो तो ये औषधि ली जा सकती है, संसार के जड़ पदार्थों के लिए वो बता सकते हैं ये वस्तु इस काम में आती है, इसका ये उपयोग हो सकता है एक सीमा तक, लेकिन इस जीवन का क्या उपयोग है, इस जीवन का क्या लक्ष्य है, इस विषय में विज्ञान की शैली से कभी हम नहीं ज्ञान प्राप्त कर सकते। ज्ञानेन्द्रियों के माध्यम से हम कितना भी देखें सुने समझें, इस निष्कर्ष पर हम कभी नहीं पहुंच सकते कि जीवन का लक्ष्य क्या है। यदि केवल बुद्धि इंद्रियों के माध्यम से जानते समझते रहे तो इनसे जो सुख प्रतीत होता है, दुख की निवृत्ति होती है स्थूल जगत में, मात्र वो ही हमारा लक्ष्य बना है।